तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव, इसके लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन 5 सीट जो जीता वही होगा अगला सिकंदर। जी हाँ दोस्तों, 5 हाई प्रोफाइल सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, बड़े दिग्गज चुनावी रण में उतर चुके हैं, तो किसको मिलेगी इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी, ये आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 बड़ी यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट जहां पर सभी दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं और उनका सपोर्ट बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के जो बड़े दिग्गज हैं वो यहां पर चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जमशेदपुर ईस्ट की अगर बात करें, तो इस बार यहां पर जमशेदपुर में बड़ा उलटफेर हो सकता है, एक हॉट सीट बनी हुई है। और इस बार अगर यहाँ की बात करें तो वर्तमान के मुख्यमंत्री रघुवर दास इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके अलावा 2014 में भी इस सीट को यहाँ पर रघुवर दास ने जीता था और यहाँ पर बिहार से झारखंड को अलग होने के बाद 3 विधानसभा चुनावों में रघुवर दास ने इस सीट पर हैट्रिक लगा चुके हैं, तो क्या चौथी बार भी वो इस सीट को जीत पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे कई यहाँ पर दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं और लगभग 20 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने उतर चुके हैं। अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि भाजपा से टिकट कटने के बाद सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रह चुके सरयू राय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ इस बार कांग्रेस की तरफ से बड़े उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बात करें मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए, तो भाजपा के लिए 28% यहां पर जीतने के चांसेस हैं और भले ही वो इससे पहले जीत चुके हैं और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया झारखंड के अंदर, लेकिन बीजेपी 65 का नारा लेकर चल रही है, इसके आगे आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन गौरव वल्लभ कांग्रेस को यहाँ पर 42% लोग मानते हैं कि वो यहाँ पर जीत सकते हैं सीट को। सरयू राय 26%। देखिए यहाँ पर बंटवारा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सरयू राय और यहाँ पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ये दोनों ही बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बंटवारा होने से फायदा यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है, यानी कि खाते में 4% यहां पर वोट सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी हाई प्रोफाइल सीट की बात करें जो है सिल्ली, जहां दोस्तों सिल्ली वो सीट है जहां पर काफी बड़े यहां पर दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है। सिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी से अलग हुई एजीएस पार्टी जिसके यहां पर अध्यक्ष हैं वो है यहां पर सुधीर महतो, भी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2005-2009 में इस सीट को सुधीर महतो ने जीता था, लेकिन 2014 में इस सीट के लिए यहां पर जेएमएम ने सीट को जीता था, तो यहां पर अमित महतो ने यहां पर जीता था और लगभग 29,000 वोटों के अंतर से सुधीर महतो को यहां पर हराया। लेकिन इस बार यहां पर जेएमएम से सीमा महतो जो कि यहां पर अमित महतो की पत्नी है वो इस बार चुनावी मैदान में, इसके अलावा भी उपचुनाव में सुधीर महतो को हार का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस सीट को जीतना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट नंबर 3 के लिए, तो दुमका सीट जो है वो जेएमएम के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। और इस बार अगर बात करें तो जेएमएम काफी बड़ी टक्कर दे सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो लुईस मरांडी ने 2014 में यहां पर हेमंत सोरेन को हराया था, लेकिन 2019 के लिए क्या आंकड़े निकल कर आएंगे सामने वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2014 में यहां पर हार का सामना करना पड़ा था यहां पर हेमंत सोरेन के लिए। और यहां पर अगर बात करें तो लोकसभा सीट में भी बीजेपी ने इस सीट को जीता था, तो अपना यहां पर वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हेमंत सोरेन को सीट को जीतना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हाई प्रोफाइल सीट नंबर 4 के लिए, तो ये है धनबाद सीट। जी हाँ दोस्तों, धनबाद सीट की अगर बात करें तो जेवीएम के प्रमुख यहां पर बाबूलाल मरांडी की पार्टी इस बार यहां पर अपने अध्यक्ष को उतार रही है, और कहना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से लक्ष्मण प्रसाद सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं। कुल 14 प्रत्याशी इस बार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2014 में अगर बात करें तो सीपीआई यहां पर राजकुमार यादव ने उनको हरा दिया था, तो ऐसे में यहां पर कह सकते हैं कि लोकसभा में भी इस सीट पर बीजेपी ने अनुपूर्ण माने इस सीट को जीता था। तो कहना होगा कि बाबूलाल मरांडी 2006 में बीजेपी से अलग होकर एक नई पार्टी यहां पर बनाई है, लेकिन क्या इस पार्टी एक अहम रोल निभा पाएगी, क्योंकि इस बार ये पूरी 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में इनका रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
चुनाव के परिणाम आने के बाद अगली हाई प्रोफाइल सीट है हुसैनाबाद। जहाँ दोस्तों हुसैनाबाद की बात करें तो इस पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन फिर भी कौन इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, 19 यहाँ पर कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में थे। अगर बात करें 2014 में सीट को यहाँ पर BSP ने जीता था और यहाँ पर कुशवाहा सिंह पूरन मेहता ने सीट को जीता था, लेकिन सिंह पूरन मेहता जो है वो अब आजू में आ चुके हैं, तो इस बार यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़े दिग्गज यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। और इस सीट पर विनोद सिंह जो भाजपा समर्थक हैं, भाजपा ने यहाँ पर विनोद सिंह को समर्थन दिया है, तो वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। और सीट को जीतने के लिए BJP ने कई बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं, जिनमें यहाँ पर खुद स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर रघुबर दास, इसके अलावा कई बड़े दिग्गज इस बार इनके चुनावी प्रचार में कूद पड़े हैं। तो इस सीट को जीतना भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो इन 5 सीटों के लिए जमशेदपुर पूर्वी जो सीट है, इस पर यहाँ पर रघुबर दास स्वयं मुख्यमंत्री हैं, वो इस बार इस सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनसे अलग होकर यहाँ पर सरयू राय यहाँ पर विपक्ष के तौर पर BJP के सामने है। एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं खेल हो सकता है, क्या BJP यहाँ पर रघुबर दास जो है वो चौथी बार सीट को जीत पाएंगे या नहीं, ये तो 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आखिरी चरण का चुनाव 20 दिसंबर को होगा, 23 दिसंबर को उसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। जनता किसको चुनेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन 5 सीट जो थी वो हाई प्रोफाइल सीट मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 5 सीट काफी महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए। जो दल इन 5 सीट को जीतता है आने वाले समय का मुख्यमंत्री वो बन सकता है, ये अनुमानित आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है इन 5 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, कौन बड़े दिग्गज इस बार इन सीटों को जीतकर मुख्यमंत्री पद का एक बड़े दावेदार बन सकते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।